दोस्तों गुड मॉर्निंग, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा दिन, दूसरी सुबह गोवा में, और कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे, 1:15 के आसपास हम घर पहुंचे थे, और उसके बाद अभी इतनी नींद आई कि सीधा अभी उठें। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा नाश्ता बनाएंगे, चाय वाय पियेंगे, और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं अभी सुबह। Like and subscribe and share. तो दोस्तों यहाँ का जो हमने ये विला लिया था, 2 दिन का लिया था, अब हम एक दूसरे प्रॉपर्टी में जाएंगे। वो प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी है। ले ली थी ये प्रॉपर्टी, छोड़ के अब हम दूसरी प्रॉपर्टी में जाएंगे, वही बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो आपको लेके चलेंगे वहाँ पे, अभी थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करेंगे। यहाँ पे 10 बजे 11 बजे चेकआउट करना है, पर हम 10 बजे 10:30 तक निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा चार्जेज पर आर 3000 रुपीज़, जो मैं नहीं चाहता कि मैं हमको देना पड़े। तो हम अपने टाइम से पैकिंग करके निकल जाएंगे यहाँ से। आज ये लास्ट डे है हमारा प्राइवेट पूल का। अब हम जिस प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं, प्राइवेट पूल तो नहीं है पर वहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। पर वी आर नॉट हेयर टू एंजॉय इन स्विमिंग पूल ओनली, तो हम आपको बीचेस पे भी लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर जब पैक वैक कर लेंगे, गाड़ी में अपना सामान रखेंगे, और फिर उसके बाद निकलेंगे दोस्तों बीच पे, आपको लेके चलेंगे 2-3 बीच और एक्सप्लोर कराएंगे। कल रात को बागा बीच गए थे, सुबह हम कैंडोलम बीच में थे, तो यहाँ पे कलंगोट बीच है वो है, और एक अंजुना बीच है वो है देखने के लिए। और देखते हैं आपको अंजुना बीच में सनसेट दिखाएंगे या फिर कलंगोट बीच में दिखाएंगे आपको सनसेट। उसके बाद यहाँ पे एक फोर्ट है घूमने के लिए, और हमारा प्लान है कल दूध सागर जाने का, तो आपको दूध सागर भी लेके चलेंगे। अभी तक यही प्लान है, तो देखते हैं दोस्तों। तो वेट कीजिए, हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं, आपको मिलाते हैं सबसे जब तैयार हो जाएंगे। दोस्तों फाइनली हो गए हम तैयार, और फाइनली इस विला को बाय बाय होने का टाइम आ गया। आदि बोल दो बाय बाय स्विमिंग पूल, बाय बाय स्विमिंग पूल, बाय। तो बच्चों की जान तो यही रहेगी स्विमिंग पूल में, तो अब देखते हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे कैसा रहता है। तो दोस्तों थोड़ा सा स्लाइट ऑफ चेंज है प्लान में। हमने आसपास गो कार्टिंग का देखा है, तो गो कार्टिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, अब कलमगढ़ बीच के पास, तो वहाँ जाएंगे। प्लस एक वैक्स म्यूजियम देखा है, अगर टाइम लगेगा तो वैक्स म्यूजियम जाएंगे। हमने जो गोवा म्यूजियम है, तो जो गोवा म्यूजियम है उसका प्लान थोड़ा कैंसिल करके हम वैक्स म्यूजियम जाएंगे, और उसके पास ही कहीं गो काटिंग है तो गो काटिंग करेंगे। उसके बाद हम हमारा जो दूसरा रिजॉर्ट है जहाँ हमने लिया है वहाँ चेक इन करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम शाम को बीच। तो दोस्तों फाइनली बाय बाय करते हैं हम विला को, और भैया ने बहुत हेल्प की हमारी। बहुत ही बढ़िया विला है दोस्तों, पक्का आना यहाँ पे, इन्जॉय करना, इट्स अ स्काई विला टू। और हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले पड़ाव पर, हमारा दूसरा रिजॉर्ट हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हम घूमेंगे फिरेंगे और फिर रिजॉर्ट पर चेक इन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक गाड़ी कर रखी है स्विफ्ट 4 दिन के लिए, उसमें हम घूम रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसी के हवा में। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, अच्छा हमने स्कूटी नहीं करी, थैंक्स टू अनिरुद्ध कपूरवान। इसने कहा मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, तो हमने कैंसिल कर दिया स्कूटी का प्लान। तो अब हम चल रहे हैं गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा में, और बाकी हम देख रहे हैं लोग सड़ी धूप में स्कूटी चला रहे हैं, ये देखो। तो अभी हमारा प्लान है वैक्स म्यूजियम जाने का, और हम वो सेंट सेबेस्टियन गार्डन भी ढूंढ रहे हैं जिसमें बड़े डब्लू के नीचे पैसे छुपे हैं। और दोस्तों रास्ते भर में इतने आम के पेड़ हैं, और यहाँ आम आ चुके हैं, दिल्ली में भी सिर्फ फूल ही खिले हैं, और यहाँ भाई साहब इतने मोटे मोटे आम लटक रहे हैं पेड़ों में। तो दोस्तों वैक्स म्यूजियम पहुंच गए हैं, मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो वैक्स म्यूजियम है। तो एक बार पता करते हैं वैक्स म्यूजियम का सीन क्या है, खुला है नहीं खुला है, टिकट्स कितने की है। और मैं जैसे कहा कि देखो यहाँ पे आम आने शुरू हो गए, आपको दिख रहे होंगे मैं पास से। तो यहाँ तो दोस्तों आम लगने भी शुरू हो गए, और दिल्ली में सिर्फ अभी फूल ही आए हैं, तो अभी वैक्स म्यूजियम में टिकट काउंटर पर जाके पूछते हैं टिकट कितने की है। तब तक घर वाले कर रहे हैं गाड़ी में रेस्ट, उनसे पूछते हैं।
चल रहा है वैक्स म्यूजियम, ओपन है, चालू है, टिकट कितनी है? ओके वैक्स म्यूजियम 290 क्या है? अंदर ही है। ओके कितने मिनट की है? अच्छा, और ये बम्पर कार्स का, ये वाली, ये भी चालू है? ओके ठीक है, 250 मतलब चिल्ड्रन या कुछ के फिक्स है, मतलब इनके है टिकट्स या नहीं है? 5 साल के नीचे टिकट नहीं है। ओके तो हमें 4 टिकट्स लगेंगी, अगर हम टोटल लेंगे तो 500 पड़ेगा। और बच्चों की कार का टिकट है? आप हमने साथ बिठा के चलाएंगे? अच्छा ठीक है। और पार्किंग कहाँ? पार्किंग यही है, ठीक है, ले ली है ये। हम बच्चों की टिकट नहीं है इसमें इंक्लूड, तो बच्चों का फ्री है। तो हम 4 एडल्ट्स का टिकट लगा है, 500 रुपये पर टिकट है, डिस्काउंट है अगर हम सारी चीज़ें इकट्ठे देखते हैं तो 650 की जगह हमें 500 पड़ा है। और वैक्स म्यूजियम काफ़ी टाइम से प्लान था मेरा जाने का दिल्ली में, पर नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली। दिल्ली में शायद बंद हो गया कोविड की वजह से, शायद दोबारा खुले तो आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। तो अभी गोवा आए हैं तो गोवा के वेस्ट में वैक्स म्यूजियम आपको लेके चलता हूँ, दिखाते हैं आपको वैक्स म्यूजियम। ये आ रहे हैं दोनों, ब्लॉक में करता हूँ, आ जाओ। और ये दो सुंदर सी महिलाएं आ रही हैं, लड़कियों वाला फेज जा चुका है इनका। दोस्तों ये हमने एंट्री कर ली है म्यूजियम में, और ये सारे वैक्स के पुतले लगे हुए हैं। ये है हमारे महात्मा गांधी जी, एज यू ऑल नो अबाउट हिम, टिकट इज हियर। और ये है बराक ओबामा। ओके ये है हमारे बराक ओबामा, आओ मेरे साथ आओ। हमारे देश के लिए हमें बहुत जरूरी बात करनी है एक आदमी से। कौन है? व्लादिमीर पुतिन से। आप यूक्रेन में इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं सर, ये बताइए आप। आपने इतना हंगामा मचा रखा है सर, थोड़ा कम कीजिए, यूक्रेन में बहुत लोग मर रहे हैं। या तो हमारे इंडियंस कोई बात जल्दी निकालिए। और यहाँ बना रखा है मोदी जी को, पर मोदी जी की हमारी दाढ़ी बढ़ चुकी है, और बहुत ज़्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी है, थोड़ा पुराने मोदी जी हैं ये, उसके टाइम के गुजरात टाइम के मोदी जी हमारे। और ये हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनसे E=mc² का फॉर्मूला मुझे अभी जानना है, अच्छा पीछे लिखा भी हुआ है, तो इनसे जानेंगे, थोड़े बैठ के इनसे बातें करेंगे। आदि यू लाइक इट? और ये देखो आदि, और ये हैं हमारे देश के महान खिलाड़ी मिस्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन पोखरियाल। यार स्टीव जॉब ही हमारे पास। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग रियली रियल मैन स्टीव जॉब। हाइट भी इसकी सेम है ना, काफी लंबे यार मेरे से, रियली लुकिंग गुड। और इन्होंने यार व्लादिमीर पुतिन का भी, पुतिन जी का पुतला ही बहुत एकदम सेट बना रखा है, पुतिन भी एकदम रियल लग रहे हैं, पर हम इन पुतलों को टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच देम एज इन नॉट अलाउड। और ये है मेसी, डू नॉट मेस विद मेसी। दोस्तों ऑलमोस्ट रियल बना रखे यार उन्होंने बिल्कुल, यार मतलब हेयर वेयर भी बिल्कुल एकदम उन्होंने प्लांटेशन करी हुई है एकदम खतरनाक। ये है ब्रूस विल्स, काफी यार सही बना रखा पुतला इनका ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। ओह माय गॉड, विल स्मिथ भी है हमारे पास। दोस्तों हियर इज द विल स्मिथ, योर रॉक मैन, रॉक मैन, रॉक मैन गाइस। और कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा? जैसे हाँ, दिस इज मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, मिस्टर बीन। ये है निकोल किडमैन, और ये भी उन्होंने काफी रियल बना रखी है। दोस्तों यहाँ पे चलेगी 9D मूवी, ये इनका थिएटर टाइप है, और हम यहाँ 9D मूवी देखेंगे, देखते हैं 5-7 मिनट की मूवी, देखते हैं कितना मजा आता है, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। अभी अंधेरा हो जाएगा इसका आपको दिखेगा नहीं। तो दोस्तों 9D की तैयारी हो गई है, सबने हमने काले चश्मे पहन लिए, 3D वाले, और अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं क्या दिखाने वाले हमें। क्या रहा था जेम्स बॉन्ड? I felt it's paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon.
my mind is breathing in. Freak out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. मजा आया, इट वॉज रियली ऑसम एक्सपीरियंस मैन. सुमन और मधु भाभी की तो एकदम हालत एकदम खराब हो रखी थी. कैसा लगा? इन दोनों की हालत खराब हो रखी थी, चिल्ला रहे थे दोनों के दोनों. अरे मम्मी, पता है एक दूसरे का हाथ पकड़ा. दोस्तों बहुत मजा आया. तो गो कार्टिंग की बारी है आदि, क्यारा, मधु भाभी और सुमन की. चलो आदि, दूसरी तरह घुमा. आदि को छोड़ दो, आदि को दे दो, आदि को दे दो, खराब कर दे. चलो आदि, चलो हैंडल घुमा, हैंडल घुमा, हैंडल घुमा, हैंडल पूरा घुमा, और घुमा, और घुमा. अरे सीधा भी चला रहा, दूसरी तरह घुमा, दूसरी तरह, दूसरी तरह, दूसरी तरह घुमा, दूसरी तरह. दोस्तों हम लंच करने आए, लंच करके हम निकलेंगे आगे अपने अगले डेस्टिनेशन रिजॉर्ट पे. अभी यहाँ पे दिल्ली दरबार पे आए हैं, यहाँ करेंगे लंच और लंच करके आपको सीधा ले चलते हैं रिजॉर्ट में और वहाँ से करेंगे वीडियो कंटिन्यू. तो दोस्तों अभी करते हैं लंच. तो दोस्तों हम बैठे दिल्ली दरबार में और लंच का वेट हो रहा है. तो दोस्तों आज जैसे ट्यूज़डे है तो वी ऑल आर हैविंग वेज. हम भगते हैं ना, गधा पड़ेगा सर पे. दोस्तों इस लड़के को, ये जो लड़का आप देख रहे हो, ये अगली ट्रिप में नहीं आएगा.
और वैसे हमारा प्लान है कि इसको आज हम प्लेन में बिठा देंगे। आज प्लान कोई नहीं है, प्लान है। ग्रेट प्लान है। हमने कैब वाले को बोल दिया है, कैब वाला से एयरपोर्ट छोड़ देगा और एयरपोर्ट से एयरप्लेन से लेकर। तो दोस्तों हमारी टेम्पटिंग सी लस्सी आ गई है, स्ट्रॉबेरी लस्सी। बेस्ट पार्ट है इन्होंने स्ट्रॉबेरी ही डाली है इसके अंदर, फ्लेवर स्ट्रॉबेरी नहीं डाल रखी है। तो दोस्तों दिल्ली दरबार का लंच वाज ऑसम। दाल मखनी मंगाई थी और हमने बिरयानी मंगाई थी, वेज बिरयानी। दाल मखनी इतनी सही हो रही थी, हमने थोड़ा से स्पाइसी कम लिया था बच्चों की वजह से, और सीरियसली दे मेड इट रियली वेल। और धूप थोड़ी बढ़ गई है दिन में, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। निकलते हैं यहाँ से। हाँ बहुत थक चुके हैं आज पूरे सुबह से घूम के। हमने जो गो कार्टिंग करी उसने हिला के रख दिया सबको। तो दोस्तों यहाँ से आपको लेके चलते हैं होटल में सीधा, और वहीं मिलते हैं आपको। सो दोस्तों फाइनल लंच करने के बाद अपने हम सेकंड डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। ये पूरी एक बिल्डिंग है जिसमें हमने अपना एक अपार्टमेंट बुक करा रखा है 3 BHK का, और ये ऑलरेडी सेट फॉर द न्यू विला। और यहाँ पे है स्विमिंग पूल जहाँ पे लोग बच्चे करने लगे मस्ती है, उसके बाद फिर हम ले चलेंगे बीच पे। तो दोस्तों ये रिसेप्शन एरिया है, और ये है जो हमारा अपार्टमेंट है, इसका नाम है सिनेमन लॉक्स। और अभी यहाँ से बस थोड़ी देर में रिसेप्शन में अपना चेक इन हो जाएगा, और उसके बाद अपना सामान रखेंगे रूम में, आपको कराएंगे रूम। तो दोस्तों फिर से पहुँच चुके हैं हम अपने न्यू डेस्टिनेशन और न्यू रूम में। ये है हमारा रूम नंबर 3। ऐसे ये डोर भी हमारे लिए है, तो आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये है अंदर, जिससे इन्होंने एक वॉशरूम दे रखा है जो सेपरेट है सबसे, कोई भी यूज़ कर सकता है। और उसके बाद हम घुसते हैं इस रूम के, सबसे बड़ा रूम है जिन्होंने दे रखा है, इसमें उन्होंने एक छोटा फ्रिज भी दे रखा है। और इस रूम में ये वॉशरूम है अटैच, काफ़ी अच्छा वॉशरूम दे रखा है इन्होंने। आप देखोगे तो बहुत क्लीनिनेस रखी हुई है इन्होंने, एक मिरर भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक डोर है ये दूसरे रूम से अटैच है, इसीलिए इसको बंद रखा हुआ है। और ये अगर आप अपार्टमेंट का थीम देखोगे तो ग्रे कर रखा है, बहुत ही सूदिंग और फ्रेश लग रहा है दोस्तों। अगर आपको मैं और भी अगर पूरा अंदर व्यू दिखाऊं तो ये है पूरा अपार्टमेंट, और एक रूम ये है पूरी ग्रे थीम के साथ, पूरा टीम बना रखा है इन्होंने। बेड इतना औसम, इन्होंने एंटीक सा बेड लगा रखा है, वुडन वर्क कर रखा है, पूरे वॉल में ग्रे थीम है। यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी दे रखी है कॉफ़ी टेबल के साथ। और ये बालकनी अगर यहाँ से नज़ारा देखोगे तो ये हमारी पार्किंग है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और एक होटल सामने है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंगो ट्री है होटल के आगे, और इसमें भी एक अटैच वॉशरूम है इस वाले में। ये मिरर और काफ़ी सुंदर नलके लगा रखे हैं इन्होंने जगवा के। और ये है एक वॉशरूम जो इधर अटैच है, काफ़ी सुंदर फैन भी लगा हुआ है इसमें, और काफ़ी अच्छा थीम दे रखा है, ग्रे ग्रे, बड़ा रिफ्रेशिंग सा थीम लग रहा है, थोड़ा सा यू नो विंटेज टाइप ऑफ लुक दे रखा है इसका पूरा उसको। और ये है दोस्तों यहाँ का ड्राइंग रूम। तो अगर ड्राइंग रूम देखोगे तो आप इतना बड़ा ड्राइंग रूम है, ये अभी हमने फिलहाल थक गए थे, फुला फुला के हम बच्चों के लिए रखा हुआ है ये। और दोस्तों फाइनली आपको मैं दिखाता हूँ किचन। किचन देखोगे इतना बढ़िया इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग का एरिया बना रखा है, डाइनिंग टेबल, थोड़ा सा इन्होंने विंटेज लुक दे रखा है पूरा का पूरा। और यहाँ पे इनका ये किचन एरिया है जहाँ पे इन्होंने ये गैस सेट लगा रखा है विद मॉड्यूलर ओवन, और पूरा ये ऐसा थीम दे रहा है कि कहीं हम बाहर देश आ गए हैं, बाहर देश का हमने कोई रूम बुक करा रखा है। और यहाँ पे इन्होंने ये फ्रीज़र दे रखा है, मतलब ये सारे के सारे नीचे वाले अंडर दी सेल्फ फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर प्लस ये हमारा। यहाँ पे इन्होंने वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एग्स ब्रेड दे रखा है, हमें ओवन दे रखा है, और क्रॉकरी सुमन दिखाएगी। ये देखिए दोस्तों, और एक यहाँ पर कितना अच्छा क्रॉकरी सेट, प्लेटे, बाउल, मग। और यहाँ पे इन्होंने प्लेटे यहाँ पे भी बाउल मग दे रखे हैं इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा रखी इन्होंने IFB की,
ये सिंक एरिया है और मे बी ये डिश वॉशर है शायद, नहीं ये रेफ्रिजरेटर का ही पार्ट है, डिश वॉशर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने मसालादानी टाइप कुछ दे रखी है, तो इसमें इन्होंने कॉफ़ी और शुगर दे रखा है। ये कैटल है चाय बनाने के लिए, बहुत ही सुंदर किचन एड की है। और जिस और यहाँ पे भी देखो इन्होंने कितने सही तरीके से एकदम यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे हमें छन्नी मिली है, पिछली वाली में छन्नी नहीं मिली थी। ये चाय पी सकेंगे छान के आराम से, देखो कितने अच्छे तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे वो है। और यहाँ पे इन्होंने बड़े वाले जो यूटेंसिल्स हैं वो रखे हुए हैं, जैसे कि फ्राई पैन, कुकर, और यहाँ पे इन्होंने फ्राई पैन्स रखे हुए हैं। ये खाली है, ये खाली है, प्रेशर कुकर नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और ये थोड़ा इन्होंने एंटिक सामान रखे हुए हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेलीफोन रखा हुआ है एंटिक पुराने ज़माने का। यहाँ पे कप रखे हुए हैं जो पुराने ज़माने में कप चाय पिलाते थे, वो इनको उठा के रखते। यहाँ पे ये रिक्शा का बना रखा है एंटिक, प्लस कैमरा भी एंटिक है अगर आप देखोगे तो। इन्होंने पूरे इसको एक एंटिक लुक दे रखा है। अब मैं आपको बैल्कनी की तरफ ले जाता हूँ। ये है दोस्तों बैल्कनी जो इन्होंने दी है, ये है बैल्कनी का व्यू। यहाँ से बैल्कनी का व्यू बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ बिल्कुल खाली है। आपको गोवा के अच्छे अच्छे घर दिख रहे होंगे, जो ओल्ड थोड़े से घर हैं जो पुराने स्टाइल में। और प्लस ये है हमारा स्विमिंग पूल, जहाँ पर हम बस कुछ मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये है मैंगो ट्री, यहाँ पर जैसे दोस्तों आपको बताया इधर मैंगोज लगने शुरू हो गए हैं, इवन दिल्ली में भी बस फ्लावर्स ही आए हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ का, दोस्तों ये है इस पूरे अपार्टमेंट का ओवरव्यू। हमारे को इन्होंने 3 बेडरूम्स दे रखे हैं। इस वाले कमरे में हमें यहाँ पे इन्हें ड्राइंग रूम में इन्होंने एक टीवी दे रखा है टाटा स्काई के साथ, और एक हमारे कमरे में है टीवी टाटा स्काई के साथ। और दो डोर जो मैंने आपको दिखाए थे बाहर से दो हैं, पर अंदर से ये एक ही अपार्टमेंट के डोर है। और ये इन्होंने यहाँ पे सोफ़ा सेट जो लगा रखे हैं वो भी ग्रे थीम में लगा रखे हैं। ये कुछ इन्होंने आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं एग शेप के। और ये देखो वॉल पेंटिंग इन्होंने जो बिल्कुल ग्रे में जो कलरफुल रेड एकदम निकल के आ रहा है, और ये ब्लू सा जो इन्होंने रखा हुआ है आर्टिफैक्ट इन्होंने यहाँ पर भी लगा रखा है। ब्लैक एंड वाइट फोटो लगा रखी है बहुत ही सुंदर। तो जो इस पूरे इस पूरे अपार्टमेंट का लुक है मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही औसम है। दोस्तों अगर आपको ये करना हो तो ये आपका सिनेमम लॉफ्ट करके यहाँ पे है गोवा में, आप भी बुक करा सकते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बना रखा है पूरा विंटेज लुक देके। ये देखिए किचन देखो, लव द किचन, ये लव द किचन। तो दोस्तों इस अपार्टमेंट का जो वॉक थ्रू मैंने वो कराया उसको यहीं पे बंद करते हैं और हम चलते हैं स्विमिंग पूल में। अगर आपको ये अपार्टमेंट पसंद आएगा तो आप भी इस अपार्टमेंट को बुक करा सकते हैं। ये भी कैंडलम बीच से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट इन द सेंस पूरी बिल्डिंग है जिसमें इन्होंने रूम्स बना रखे हैं अपार्टमेंट टाइप, तो वो मैंने एयरबीएनबी से बुक कराया था, तो आप भी एयरबीएनबी जाके इसको बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वॉक थ्रू को यहीं मैं बंद करता हूँ, हम जाते हैं स्विमिंग पूल में थोड़ा मौज करने के लिए। दोस्तों बाय टेक केयर, क्योंकि हमें जाना है शाम को घूमने के लिए और वाटर स्पोर्ट करने के लिए।